हेलो एवरीवन, जन्माष्टमी के इस कान्हा के बर्थडे वाले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी प्रसाद बनाने से लेके और पूजा करने, जैसे हमने सेलिब्रेशन किया वो सब सारा इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले तो पूरी फैमिली में हम 6 मेम्बर हैं अभी, तो 6 मेम्बर में सब लोग फास्ट थे। तो सबसे पहले मूँगफली मैंने फ्राई किया और ये था गड़ी का बुरादा एंड इलायची, किशमिश, चीनी, ये सब साफ मैंने मंगाया था। इससे चीनी उनी तो किचन में था बट मैंने साफ मंगा लिया था। और गड़ी को मैंने कद्दूकस कर दिया था। ये थे धनिया का पाउडर एंड यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा के चल रही हूँ सबसे पहले प्रसाद तैयार करने। अभी मैं नहा के और कुछ हल्का ड्रेस पहन के आ गई थी किचन में प्रसाद बनाने, उसके बाद में मैं जाऊँगी फिर से तो तैयार होंगी। तो अभी प्रसाद में मैंने पहले तो मूँगफली भून लिया है, जिसको मूँगफली खाना होगा, नहाना होगा, नहा लेगा, क्योंकि ये 6:30 बजे का क्लिप है। तो 6:30 बजे मैं नहा के शाम में किचन में आ गई थी और सबको 8 बजे तक नहाना था दोबारा से। तो सब लोगों के लिए मैं मूँगफली फ्राई कर दी थी, चाय था तो चाय मूँगफली जिसको खाना होगा खा लेगा। मखाना भून दिया है, उसके बाद से मैंने धनिया का पाउडर घी डाल के भून दिया है। सारी चीज़ों को मैं घी में भून रही हूँ एंड इसके बाद से थोड़ा सा मैं दूध ले रही हूँ। ये थोड़ा सा ही दूध पहले गर्म करूँगी क्योंकि मुझे बनाना था गड़ी के बुरादे की लड्डू। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने थोड़ा दूध पहले गर्म किया था, क्योंकि अगर 1 लीटर दूध था वो रखती तो गर्म होने में टाइम लगता, फिर प्रसाद बनाने में मुझे लेट होता। और लाइट का थोड़ा सा हम लोग को सस्पेंस रहता है कि कभी भी भाग सकता है। तो सबसे पहले मैंने अवेयर होके ये काम फिनिश किया। तो घी गर्म किया, उसमें डाला बुरादा, उसको थोड़ा भून लिया, उसमें डाला चीनी क्वान्टिटी के हिसाब से और दूध डाल के हमने इसको मेल्ट कर लिया। इसके बाद हम बनाएंगे लड्डू। तो लड्डू आप अपने सेब के बना सकते, बहुत ही टेस्टी हुआ है, मैं तो एक ही खाई हूँ सुबह से। ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाए थे, थोड़ा सा मैंने बुरादा बचा दिया था, इसमें रब करके मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए थे और जितना भी भोग प्रसाद जो भी आप बोले बनाया है मैंने, वो सब कुछ मैंने अकेले प्रिपरेशन किया है, क्योंकि सिस्टर और भाई लोग वो लोग डेकोरेशन में लगे हुए थे शाम से ही, सुबह से ही एक्चुअली, तो नहीं टाइम मिला उनको किचन में आने का। यहाँ पर पंजीरी बना रही हूँ मैं, धनिया जो मैंने भुना था उसमें डाल रही हूँ, चीनी कद्दूकस किया हुआ है, बड़े साइज का नारियल का स्लाइस, और इसमें डालूंगी मैं ये चीनी और इसके बाद ये इलायची दाना बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, इसको डाल के मिक्स करके एक प्रसाद तैयार करके किनारे रख दूंगी। और जो दूध मैं गांव में से लेके आई थी, जहाँ से मेरा आता है दूध, वहाँ से ले आई थी, और 1 लीटर दूध मैंने मंगा लिया था मार्केट से, ताकि थोड़े थोड़े ही खीर बनाने हैं तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। हमने पहले 5 प्रसाद सोचा था, 5 भोग, फिर 5 के बाद 7 हुआ, फिर 7 के बाद 9 हुआ, फिर 9 के बाद फाइनली हम लोगों ने 11 भोग तैयार किए थे बनाने से लेके, और जो चीज़ें खरीद के आई थी मार्केट से उनको काउंट करके। तो यहाँ पूड़ियाँ बना ली थी, अभी 2 दिन पहले मैंने गेहूँ फटका था तो आटा पीस के आया, तो मैंने सबसे पहले जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए साफ आटा निकाल के रख दिया था, तो उसकी मैंने घी में पूड़ियाँ बनाई थी। 11 पूड़ियाँ गिन के मैंने बनाई थी, क्योंकि रात में पूड़ी बना के रखो सुबह बहुत कड़ी हो जाती है, तो हमको लगता है कि थोड़ा प्रसाद के नाम पे 11 पूड़ियाँ हैं तो 2-2 पूड़ियाँ सब लोग खा लेंगे। एंड जो दूध मैंने पहले गर्म किया उसको किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करके, इसी बर्तन में मैंने 1 के 1.5 लीटर का दूध गर्म किया, क्योंकि 2 दूध मैंने 1.5 लीटर का मंगाया था, तो 1 दूध फ्रीजर में से आया था, 1 दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर था, तो मुझे लगा अलग अलग गर्म करके देखते, क्या पता एक में गर्म करें तो टेम्परेचर में अंतर है दूध के, तो क्या पता फट जाए, फिर हमें प्रॉब्लम होगा, मेरा जो प्रसाद है भोग है वो ना कम्प्लीट बन पाएगा। तो यहाँ पे दोनों दूध को एक एक करके गरम कर दिया, उसके बाद से हमने लिया कुकर, इसमें डालेंगे घी और घी में हम डालेंगे चावल, जो कि मैंने पहले एक कटोरी थोड़ा सा ही लिया था, 1 कटोरी भर के धुल के रख लिया था चावल, इसको घी में करेंगे फ्राई। घी में अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसका खीर तैयार कर लेंगे। हमने 3 प्रकार का खीर बनाया था, साबूदाने का खीर, मखाने का खीर और चावल वाला खीर, चावल का आटा बोलने
जा रही थी, चावल वाला खीर। यहाँ पे इसके बाद से मैं ये दूध गर्म कर रही हूँ दोबारा से, इसमें बनाऊँगी साबूदाना। साबूदाना मैंने ज़्यादा भिगो दिया था, लेकिन इसमें मैं 7 चम्मच डाली थी और बाकी मैंने फ्रीजर में रख दिया ताकि वो ठंडा रहेगा, तो फिर कल मैं उसके पकौड़े या फिर आज मैं कुछ बना लूँगी। एंड किचन में थोड़ा टाइम निकाल के मैं आई यहाँ पर, तो भगवान जी के लिए बाबा लेके आए थे ताज़ा गेंदा के फूलों का हार। वो भाई पूजा पे बैठ गए थे तो वो सब उनको पहना रहे थे, और श्रृंगार सारा हो गया था। भगवान के नए कपड़े, नए मुकुट, नया ये मोर पंख, सब कुछ नया था। और मैंने पूरा पीछे का वॉल भी पेंट कर दिया था सुबह के टाइम में, जैसा कि बताया है। तो उसके बाद जितना भी प्रसाद था सारा मैंने डन कर लिया। इसके बाद मैं तैयार हो गई, मैंने सिंपल सा स्काई ब्लू कलर का सूट पहन लिया एंड बड़े से इयररिंग, लिपस्टिक, बिंदी और आईलाइनर, काजल, बस यही मेकअप किया। एंड इसके बाद से हम आ गए मंदिर में। मंदिर में आने के बाद सिस्टर भी तैयार हो गई थी, देख कितनी प्रीटी लग रही है ना, सिस्टर तैयार हो गई थी। तो सिस्टर ने शायद फ़ोन किया था पापा को कि किसको फ़ोन किया था, एंड दादी थी और यहाँ भाई सब कर रहे थे पूजा। पूरे मंदिर को आप लोग ऐसे देख लीजिए कैसा लग रहा है, हमारा मेहनत हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद से जब घर में थोड़ा पूजा धूप बत्ती जला लिए तो हम गए बगल में, हमारे पटीदारी में एक भैया हैं उनके वहाँ मंदिर है, उनके मंदिर पे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई थी। यहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, यहाँ अगरबत्ती दिखाई, भगवान को प्रणाम किया, फिर आ गए घर। घर आए तो हमने 2-4 भजन की गाए, जो कि मैं जितने भी भजन हैं सारे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में मिल जाएगा। मैं कुछ भजन इंस्टाग्राम के लाइव वीडियो में मैंने वो किया रिकॉर्ड, और कुछ भजन मेरे फेसबुक के लाइव वीडियो में हैं तो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया, क्योंकि हर साल मैं वीडियो में भजन ऐड करती हूँ। तो इस बार मैंने स्किप करके मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं मेहनत करती हूँ वहाँ पे मैंने इस चीज़ को शेयर किया। एंड इसके बाद भोग में आप लोग देख लो, कीवी है, केला है, सेब है, और बाबा रेडीमेड लड्डू लेके आए थे, मतलब मार्केट से यहाँ पे नारियल के लड्डू बनाए थे। एक दिन पहले मैंने पेड़ा बना लिया था, खीरा है, हलवा है, पूड़ी है, 3 तरह की खीर है, पंजीरी है मतलब, और पंचामृत है, शहद था। तो इन टोटल चीज़ों को काउंट करने के बाद 11 हो रहा था। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद की जय, बोलिए आनंद की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे ओ माय जगं हवे प्रजानन मे अस्तु दशवे रघुं सर्वकाल गुं सस्ताय यादमासनि प्रजासनि पशुसनि भयसनि अग्नि करोत्पन्नं पयो असमासु दत्ताः करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा शान्तं हृदयारविन्दे बिहारी तेरी आरती गा जाओ।
शादी हो गया, अंदर कृष्ण भगवान का जन्म हो गया था, हमने एक सोहर गाया, फिर उसके बाद हम लोग ये छोटा वाला ढोल रखते हैं जिसमें कृष्ण जी की फ़ोटो और कुछ साड़ी से और ऊपर बैलून से डेकोर किया था, तो इसमें भोग लगेगा। यहाँ पे भगवान जी को आरती दिखा रही है सिस्टर, एंड इसके बाद से मैं जाऊँगी आरती दिखाने। मैं बच गई थी क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी एंड रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, तो यहाँ पर मैं आ गई आरती दिखाने। जैसे कि भगवान जी ने हम लोग को खुश रखा है, वैसे आप लोग भी हमेशा खुश रहो। मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हम लोगों ने जो एंजॉय किया डांस किया, डांस तो रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने, लेकिन आप ऐसे मतलब एंजॉय जो किया, भजन किया 1-1.5 बजे तक, वो सब मैंने थोड़ा सा लास्ट में डाल दिया, वो देख लो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।